तो जींद उपचुनाव को लेकर अब उम्मीदवार पूरी तरह से तय हो गए हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन 6 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद अब मैदान में 21 उम्मीदवार हैं। वहीं दिग्विजय चौटाला को चुनाव आयोग ने कब प्लेट चुनाव चिन्ह दिया है। जींद उपचुनाव को लेकर अब शतरंज की पिसात बिछ चुकी है, मोहरे तय हो चुके हैं। जींद के 27 उम्मीदवारों में नाम वापसी के आखिरी दिन 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद जींद के सियासी रण में अब 21 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं अंशुल सिंगला ने भी जींद के इस रण से अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल अंशुल सिंगला ने कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला का समर्थन किया है। सभी साथियों के जोर देने पर मैंने नॉमिनेशन भर दिया था, पर जींद हलके की, जींद शहर की, जींद के आसपास के गांवों की विकास ही मेरी प्राथमिकता है। इलेक्शन लड़ना या विधायक बनना प्राथमिकता नहीं है। तो भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इतने बड़े नेशनल लीडर हैं और जिस तरीके से इन्होंने कैथल को मतलब बहुत आगे पहुंचाया है, वैसे ही मैं उम्मीद अभी है यहाँ से हम हज़ारों मतलब दसियों हज़ारों वोटों से जिताकर इनको आगे भेजेंगे, इनके हाथ मजबूत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे कैथल को इन्होंने चमकाया है, उससे कुछ ना कि 21 करके जींद का जो विकास पिछले कई सालों से रुका हुआ था उसको द्रुत गति से दौड़ाएंगे और जींद को भी कैथल से भी बेहतर बनाएंगे। वहीं अंशुल सिंगला के नाम वापस लेने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी स्थिति मजबूत बता रहे हैं और इस उपचुनाव में जीत का दम भर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जींद की माटी और जींद का विकास। वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, मैं कह रहा हूं कि हम बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम मिटा देंगे, मैं कह रहा हूं कि हम संवार देंगे। खट्टर साहब कह रहे हैं कि हम लड़वा देंगे, हम कह रहे हैं कि हम जोड़ देंगे। यही उनमें और हमें अंतर है। वहीं बीजेपी रणदीप सुरजेवाला की टिकट पर तंज कस रही है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस ऐसे शख्स को टिकट दिलवाना चाहती थी जो कांग्रेस में है ही नहीं। आपको अगर पता हो तो कांग्रेस पार्टी ने ठीक किया, क्योंकि जो हरियाणा की कांग्रेस थी वो जिसका नाम लेके गई थी कि इसको टिकट दे दो, वो कांग्रेस ही नहीं है, उसका बाप तो दूसरी पार्टी का एमएलए। तो राहुल गांधी का फैसला बिल्कुल ठीक है। उधर जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला को चुनाव आयोग की तरफ से कप प्लेट चुनाव चिन्ह मिल गया है। वहीं दूसरे निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह दे दिया है। ऐसे में अब जींद उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है और जींद का रण अब और तेज होगा, ये तय है। हरियाणा डेस्क टोटल।